एनएचएआई की अनदेखी से सरोज के दर्जनों घर पानी में डूबे। ग्राम प्रधान एनएचआई गोरखपुर का 3 साल से लगा रहे चक्कर, आज तक नहीं हुई कोई सुनवाई। पानी से निकासी न होने चलते हो रही है बड़ी समस्या। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के कोबागंज विकास खंड के ग्राम सभा सरोज है कहा है, जहां सरोज स्थित राजपुर बस्ती की काफी दयनीय हो गई है। दर्जनों घरों में वर्षा का पानी भर गया है, जिसे लोग घर छोड़कर आसपास शरण लिए हुए हैं। वहीं ग्राम प्रधान साथी देवी गोरखपुर एनएचआई के अधिकारी से 3 वर्ष में कई बार नाला बनाने के लिए मिली, आश्वासन तो मिला लेकिन आज तक कोई देखने नहीं आया। हालांकि फोर लेन निर्माण के समय ग्रामीणों ने नाला बनाने को लेकर कार्य रोक दिया था, लेकिन एनएचआई के अधिकारियों ने सड़क निर्माण के बाद नाला निर्माण की बात कही थी लेकिन आज तक नहीं बना। पानी जमा होने कारण संक्रमण फैलने की आशंका से सभी भयभीत हैं। वहीं फोर लेन निर्माण को लेकर एनएचआई के ठेकेदारों द्वारा सड़क ऊंची बना दिया गया था, पहले जो पानी निकासी थी उसे बंद कर दिया गया है, इसे लेकर ग्रामीणों में रोष है। जहां से सर्विस रोड शुरू हुआ है वहां पर हमने टी जंक्शन का मांग किया है, तो मांग तो हमने किया, वो भी लिख कर दिया गया था, वो बोले कि टी जंक्शन पास हो गया है तो अभी तक बना नहीं उसका। हम डेली उनकी लड़ाई, हम उनसे जाकर लड़ते हैं कि भाई टी जंक्शन बनाइए, लेकिन ये बोलते हैं कि हमारे पास बजटे नहीं है। कारण ये पानी रुकने का कारण यही हुआ है कि दोनों तरफ कोई नाला नहीं, यही कारण है और कोई कारण नहीं है। अगर नाला बन जाए तो ये पानी जितना आपका दिखाई दे रहा है ये सारे नदी में पानी चला जाएगा, फिर ये रोड बन जाएगा, लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। यहीं पर सबसे बड़ी समस्या है। रह गई बात हमारे गांव के, तो हमारे गांव के लोग इनको यही आशा लगा के रखे थे कि एनएचआई के लोग हमें अंडर पास देंगे, हमें सर्विस रोड देंगे, हमें नाला बना कर देंगे, यही हमारे गांव की पूरे पब्लिक का यही ध्यान था, लेकिन ये लोग कुछ बना कर दिए नहीं। ये तो थोड़े कुछ दिनों बाद हमने लड़ के सर्विस रोड लिया और ये अंडर पास भी नहीं था तो हमने लड़कर सरकार से हमने लिया, लेकिन अभी फिलहाल सरकार का किसी अधिकारी के इसके ऊपर कोई नज़र नहीं है और हमारे पब्लिक को इतना कठिनाई से सामना करना पड़ रहा है। ये पुलिया जो है बहुत नीचे बना दिए, दोनों तरफ रास्ता है, कम से कम दोनों गलेबल देख करके उसकी सतह से अगर ये लोग बनाते हैं तो पानी कहीं रुकता नहीं है और बिना इन लोग नाला बनाए हुए पानी नहीं गिर रहे हैं। अब रुकाव क्यों है सर, ये पुलिया की वजह से रुकाव है? अगर नाला बन जाता तो पानी नहीं रुकता। हाँ, नाला बनेगा तो नाला बन जाता, नदी में चला जाता। हाँ, जी। नाला के वजह से पानी जो है नाला जल जमाव पड़ा हुआ है एकदम। अभी थोड़ा बारिश हुआ है तो ऐसा हो रहा है, और जब ज्यादा बारिश होगा तो सबके घर में पानी घुस जाएगा, घर में घुस जाएगा, घर में घुस जाएगा, नाली नाली।